तो भाई ये वाला वीडियो ना पूरा देखना, देख के एकदम स्वाद आ जाएगा। इधर उतरते ही मैं नॉक हो जाता हूँ, बट इधर मैं रिवाइव हो जाऊंगा, मेरा टीममेट मुझे रिवाइव कर देगा। और सबसे पहले मैं ये बंदे को ही मारूंगा, और इसके बाद मेरा सारे तीन के तीन टीममेट मर जाएगा एकदम। मैं अकेला सर्वाइव देखो कैसे करता हूँ, बैक टू बैक क्लचेस एकदम। और इधर एक स्क्वाड को मारूंगा जो कि गाड़ी लेके मुझे फिर से मारने के लिए आएगा, बदला लेने के लिए, और उनके साथ देखना मैं क्या स्कैम करूंगा भाई। देख के एकदम मजा आ जाएगा, खाली प्रिजन का ही फाइट है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। तो पूरा वीडियो देख के जाना। तो ये बंदे से मुझे हील मिल जाता है, तो फटाफट हील करता हूँ। और भाई इसके बाद देखना नेट बॉल की बारिश हमारे ऊपर। इधर बंदा एकदम एंगल लेके बैठा था, बच जाता हूँ, बट इधर मुझे मॉली लग जाता है, एकदम 1 HP हो जाता हूँ। तो मजबूरन फॉल बैक करता हूँ, जब तक मैं इधर हीलिंग ढूंढता, मेरा हीरोइक टीममेट जो लास्ट बचा था उसको भी नॉक फिनिश कर देता एनिमी। तो इधर हील करके मैं सीधा रश कर दूंगा उनके ऊपर। इधर मेरे नीचे पूरे तीन बंदे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि बंदे भी अच्छा खासा दिमाग लगा रहे थे, अच्छे खेलने वाले बंदे थे। तो इनको देखो कैसे मारता हूँ मैं। Awesome. तो अभी इधर जो बंदे को मारा मैं भाई, ये बंदे रिकॉल होके गाड़ी लेके मेरे पे रश करने के लिए आएंगे, मतलब बल्ला लेने के लिए। और इनका और एक बंदा मेरे ऊपर ही है जो कि एकदम से होल्ड करके बैठा है, कोई फूड वगैरह नहीं दे रहा। तो देखो आगे क्या मस्त फाइट होने वाला है। तो भाई बंदे इधर एकदम फैले पड़े थे, समझ में नहीं आ रहा था बंदे कहाँ कौन से विंडो में बैठे हैं। तो इधर थोड़ा सा होल्ड करके खेलना मेरे लिए सही लगा। देखो जैसे ही बाहर आया पता नहीं कहाँ से डैमेज पड़ा, तो देखो इनके साथ कैसे फाइट होता है। देखा भाई बंदे कहाँ कहाँ एकदम होल्ड करके बैठे थे, तो मुझे कैंपर मत बोलना इधर। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि थोड़ा सा होल्ड करना ज़रूरी होता है, दिमाग से खेलना ज़रूरी होता है, क्योंकि गन पावर से ज़्यादा तुम्हारा IQ मैटर करता है। अभी मेरे ऊपर लास्ट बंदा है, तो मैं तो रश नहीं करूँगा क्योंकि भाई बंदा TPP ले रहा है, तो मैं बंदे को मजबूर करूँगा कि मेरे ऊपर रश करे। तो देखो क्या होता है आगे। तो इधर नेट पिन करके बंदे को बेट करके मार देता हूँ, तो इसी के साथ इधर पूरा इवेंट क्लियर हो जाता है। ये वाला दूसरा मैच है, रैंडम के साथ खेल रहा था भाई। इधर आपको देखने के लिए मिलेगा M249 का असली पावर क्या होता है। तो इधर भाई खाली यशने का ही फाइट है, उसके बाद मैं मर जाता हूँ सेम एज यूजल, क्योंकि भाई रैंडम के साथ आपको भी समझ में आता है क्या होता है। तो मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और मैं सीधे FPP करके रश कर देता हूँ। तो देखो भाई अगर ये वाला 1v3 थोड़ा भी पसंद है ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट फाइट होगा अपार्टमेंट पे, जो कि मेरा और एक टीममेट अपार्टमेंट पे है, उसको एक टीम पकड़ के मार देता है, तो मैं उनके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ। ऊपर
तो मेरे सामने अपार्टमेंट में एक बंदा होता है जो कि भाई बहुत गंदा टीपी भी ले रहा था, उसके ऊपर मैं रश करता हूँ, देखना उसके साथ क्या गंदा स्कैम होता है। इधर बेचारा बंदा टीपी पे ले रहा था और भाई पीछे से कोई नॉक कर देता है, मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताना आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या। भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो गन रिलोड करता हूँ तभी ना मुझे राइट साइड से कोई फुटस्टेप्स आता है, और देखना भाई सस्ते नशे करने का असर। इधर देख रहे हो भाई, मतलब बंदा भाई साइकिल निकाल के आराम से इधर से भागने की तैयारी कर रहा था। भाई ऐसे बंदे ये होते हैं कि जो कि बस दूर से मारेंगे, क्लोज फाइट नहीं लेंगे। फिलहाल इनको जैसे ही मारता और एक दो बंदे इधर कहीं से रश कर देते हैं मेरे ऊपर, जो कि शायद रिकॉल होके आए थे। तो देखो उनको कैसे मारते हैं। तो इसी के साथ याश्ना का अपार्टमेंट पूरा क्लियर हो जाता है जो कि पीछे के साइड का है। तो इसके बाद मैं आगे जाऊंगा, मर जाता हूं, और भाई आगे का दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा टीममेट तो आधा मर ही चुका है, तो कुछ खास नहीं था। तो गाइस देखो वीडियो में थोड़ा भी मज़ा आया हो, एंजॉय किया हो ना, तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।